राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे एक बहुत अच्छे कीटनाशक के बारे में, और ये किसान भाइयों बायर कंपनी का आता है ग्लैमर इंसेक्टिसाइड के नाम से। किसान भाइयों, इसके अंदर कौन कौन से टेक्निकल हैं, कौन कौन सी फसलों पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं, किस किस तरीके से कीटों का सफाया करता है, किन किन कीटों पर इसके अच्छे कार्य हैं, क्या इसकी डोज है, क्या इसकी कीमत है, कितने दिन का इसका रिजल्ट है, बारिश के बाद इसके कैसे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, सब कुछ पूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा देखें, तभी किसान भाइयों आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, इस चैनल पर आपको हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ग्रोथ प्रमोटर और भी बहुत तरह की जानकारियाँ दी जाती हैं, यानी कि कुल मिलाकर के सिर्फ यहाँ पर प्रोडक्टों की जानकारी दी जाती है, किसी भी फसल के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। आप किसी चीज के बारे में यदि एक्सपेरिमेंट करवाना चाहते हैं तो एक्सपेरिमेंट की वीडियो भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। किसानों में पहले बात कर लेते हैं इसके अंदर टेक्निकल की, इसके अंदर कौन कौन से टेक्निकल दिए हुए हैं। तो दो टेक्निकल किसान भाई इसके अंदर दिए हुए हैं। पहला टेक्निकल है एथीप्रोल 40% में, और दूसरा किसान भाई इसके अंदर टेक्निकल दिया हुआ है इमिडाक्लोप्रिड 40% WG फॉर्म में। तो कुल मिलाकर के किसान भाई इसके अंदर दो टेक्निकल हैं, और ये दोनों टेक्निकल किसान भाई कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमिक दोनों तरीके से कीटों का सफाया करते हैं। कॉन्टैक्ट का मतलब किसान भाइयों ये रहता है कि जैसे ही आपने अपनी फसल के ऊपर इस कीटनाशक का स्प्रे किसान भाइयों किया, और इस स्प्रे के संपर्क में जितने भी कीट किसान भाइयों आ जाते हैं उन कीटों को ये तुरंत ही खत्म कर देता है। दूसरा किसान भाइयों सिस्टमिक तरीके से, तो सिस्टमिक तरीका ये, आपने स्प्रे कर दिया, स्प्रे करने के बाद मान लीजिए कोई भी कीट उड़ करके या इस अपने आपकी फसल के ऊपर आता है और उस पत्ते को खाना शुरू करता है, तो जैसे ही वो उसे खाएगा तो ये जो हमारा इंसेक्टिसाइड है ये उसके पेट के अंदर पहुंचने के बाद, उसके सिस्टम में पहुंचने के बाद उसके नर्वस सिस्टम को बेकार कर देगा और उसे मारना शुरू कर देगा। तो यानी कि कॉन्टैक्ट के तरीके से भी मारता है और सिस्टमिक तरीके से भी कीटों का खात्मा कर देता है। अब किसान भाई बात कर लेते हैं कौन कौन सी फसलों पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाई आप धान पर इसका उपयोग कर सकते हैं, कपास पर इसका उपयोग कर सकते हैं, सोयाबीन पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं, गेहूं पर कर सकते हैं, मक्का पर कर सकते हैं, गन्ना, मिर्च, शिमला मिर्च, गोभी, बैंगन, टमाटर, करेला, परवल और आदि जो हमारी सब्जियां बचती हैं उन सब्जियों पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन किसान भाई यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जितनी सब्जियों के और जितने फसलों के बारे में मैंने आपको बताया इन्हीं फसलों पर आपको इसका उपयोग करना है, इसके अलावा और फसलों पर आप इसका उपयोग ना करें, या फिर यदि आप करना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा कि आपको बता दिया जाए कि उस पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं या फिर नहीं। अब किसान भाई बात कर लेता हूँ कि कौन कौन से इंसेक्ट को ये कंट्रोल कर सकता है, कौन कौन से इंसेक्ट पर इसका अच्छा कार्य देखने को मिलता है। तो किसान में BPH यानी कि जो हमारा ब्राउन प्लांट होपर होता है, इसे ये बहुत अच्छी तरीके से कार्य मतलब इस पर कंट्रोल कर लेता है, उसे बहुत तेजी के साथ खत्म करता है। दूसरा किसान भाई जो हमारा होता है इल्ली पर अच्छी तरीके से काम करता है, सुंडी पर ये अच्छी तरीके से काम करता है, तेला पर अच्छी तरीके से काम करता है, माहू पर अच्छी तरीके से काम करता है, और थ्रिप्स पर भी इसका बहुत अच्छा रेंट किसान भाइयों देखने को मिलता है। जो ब्लैक प्लांट होपर होता है उस पर भी किसान भाइयों इसके बहुत ही शानदार और बहुत अच्छे रेंट देखने को मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के इतने तरह के इंसेक्ट को ये कंट्रोल कर लेता है, इतनी फसलों पर इसका उपयोग आप कर सकते हैं। अब किसान भाई बात कर लेता हूँ इसकी डोज की, कि इसकी कितनी डोज आपको अपनी फसल के ऊपर लेनी है। तो किसान भाई प्रति एकड़ की मैं बात करूँगा तो प्रति एकड़ आपको लगभग 50 से लेके 60 ग्राम इसकी मात्रा लेनी है, और लगभग 150 से लेके 170 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके आप इसका स्प्रे अपनी फसलों के ऊपर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे रेट किसान भाइयों निकाल करके आपको दे सकता है। अब किसान मैं बात करता हूँ कितने दिन का इसका रिजल्ट है और कितनी इसकी कीमत है। तो किसान भाई अगर मैं इसके रेट की बात करूँ तो आज यदि इसका उपयोग आप करेंगे तो आज उपयोग करने के लगभग 5 से लेकर 6 घंटे बाद इसका जो कार्य करना शुरू ये कर देता है, और बहुत तेजी के साथ ये कार्य करना शुरू करता है। यानी कुल मिलाकर के रेट तो आपको तुरंत ही मिलने शुरू जाएंगे, लेकिन अच्छा रेट टाइम जो इसका है वो 5 से 6 घंटे के बाद इसका अच्छा रेट देखने को मिलेगा, और लगभग 18 से लेकर 20 दिन तक ये बहुत ही शानदार परिणाम आपको निकाल करके देगा। अब किसानों में बात कर लेता हूँ इसकी कीमत की, तो इसे मार्केट में आपको ये 50 ग्राम के पैकेट में देखने को मिल जाएगा, 100 ग्राम में भी देखने को मिलेगा, और 50 ग्राम की जो कीमत है वो लगभग 650 रुपये के आसपास किसान भाई मार्केट में मिलेगी। वहीं 100 ग्राम की मात्रा जो है इसकी लगभग 1250 रुपये के आसपास देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से ये जानकारी हो जाती है। यदि आपको इसका स्प्रे करना है तो स्प्रे करते वक्त किसान भाइयों आप स्टीकर का उपयोग जरूर कर लें, तो इसके ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और रही बात बरसात की, तो इसका स्प्रे करने के कम 8 घंटे तक यदि बरसात नहीं होती है तो इसके बहुत शानदार रेट आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आज की वीडियो में किसान भाइयों बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।